बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग करेंगे लिमिट पॉइंट, और ये लिमिट पॉइंट जो सीख रहे हैं ना तुम्हारा रियल नंबर्स में भी यूजफुल होगा, जो कि तुम्हारा बीएससी का सिलेबस भी है और जैम में भी क्वेश्चन आते हैं। सो है मैट्रिक स्पेस, लेकिन ये पूरा पूरा जो है तुम्हारा रियल नंबर्स वाला भी लिमिट पॉइंट के कॉन्सेप्ट से मिलता है, ठीक है। सो लिमिट पॉइंट साथ साथ लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट इन अ मैट्रिक स्पेस, इन अ मैट्रिक स्पेस। ठीक है, लिमिट पॉइंट ऑफ अ सेट इन अ मैट्रिक स्पेस। सो क्या होगा लिमिट पॉइंट किसी भी मैट्रिक स्पेस में, किसी भी सेट का लिमिट पॉइंट क्या होता है, पहले समझते हैं। सो देखो लिमिट पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है, लिमिट पॉइंट के पर्टिकुलर लिमिट पॉइंट, सो लिमिट पॉइंट होता क्या है पहले समझो। एक मैट्रिक स्पेस दिया हुआ है, ये मैट्रिक स्पेस दे दिया एक्स जी, ठीक, यहां पे एक सबसेट मैंने लिया ए, जो मैं लिखाऊंगा पहले समझ लो, समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो एक मैट्रिक स्पेस लिया एक्स डी, ए एक इसका सबसेट ले रहा हूं, मतलब ए क्या है सबसेट एक इसका एक्स का। अब आते पॉइंट की बात करते हैं, एक पॉइंट मान लो पी, ये पी क्या होता है ध्यान देना एक्स का होता है, मतलब ये पॉइंट जो है ए के अंदर भी हो सकता है ए के बाहर का भी हो सकता है, ये समझिए, ठीक है। सो ये पॉइंट पी जो है यहां पे भी हो सकता है, ये पॉइंट पी जो है इसके ए कॉम्प्लीमेंट का भी हो सकता है, ठीक। तो मैं बोलूंगा ठीक है हो गया। अब देखो ये पॉइंट यहां का भी है बाहर का भी हो सकता है, इस पॉइंट पी को मैं बोलूंगा ये इस सेट ए का लिमिट पॉइंट है, अगर इसका इसको कंटेन करने वाला कोई भी ओपन स्फीयर हो, या यूं बोलो इसका कोई भी ओपन स्फीयर हो, अगर मैं आप समझना यहां पे मैं ले रहा हूं तो ओपन स्फीयर बनाऊंगा, ऐसा भी हो सकता है, ओपन स्फीयर की रेडियस की बात होती है ना, बढ़ाते जाओ, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। ये सब क्या है ओपन स्फीयर है, ध्यान देना ये तीनों जो मैं बना रहा हूं ये क्या है ओपन स्फीयर है, ठीक है ना, ये ओपन स्फीयर, ओपन स्फीयर, ठीक है। मैं नाम दे देता हूं एस, पॉइंट पी हो गया, ये हो गया एप्सिलॉन। अब देखो ये एप्सिलॉन वन होगा रेडियस, इसकी रेडियस बढ़ा दो, एप्सिलॉन टू हो गया और इसकी रेडियस बढ़ा दो, मतलब रेडियस बढ़ाते जाओगे तभी तो स्पीयर्स अलग अलग आते रहेंगे। अब ये हो गया, या जो दूसरा केस है सेम यही कॉन्सेप्ट, अगर बाहर है इसका भी कोई ओपन स्पीयर जो भी बनाओगे कैसे ओपन स्पीयर यूनिवर्सल सेट के बाहर तो नहीं जाएगा, एक्स के बाहर नहीं जाएगा, ऐसे ही होगा। सो कंडीशन क्या है कि इस पी का कोई भी ओपन स्पीयर लो ना, पी के अलावा कम से कम एक पॉइंट जो होगा ना हर ओपन स्पीयर, हर एक ओपन स्पीयर कम से कम एक पॉइंट कंटेन करेगा इस सेट ए का पी के अलावा। समझा पाया ना, फिर से आते हैं, फिर से समझने की कोशिश करते हैं। मैट्रिक स्पेस ले लिया, ए सबसेट ले लिया, अब ए सबसेट है इस एक पॉइंट पी बिलोंग्स टू एक्स, मतलब ये ए का भी हो सकता है पी और ए के बाहर का भी हो सकता है, ये लिमिट पॉइंट होगा उस सेट ए का अगर इसका हर एक ओपन स्पीयर, हर एक ओपन स्पीयर क्या करेगा इस P के अलावा जो सेट A है ना उसका कम से कम एक पॉइंट कंटेन करेगा। समझा गया कि नहीं। So, इसको मैथमेटिकली कैसे करोगे, मान लो एक ओपन स्पीयर S की इप्सिलॉन ले लिया, ठीक है ना, अब अगर ये A का इस P के अलावा एक और पॉइंट कंटेन कर रहा है तो दैट मींस क्या हुआ, जो मैं सेट A ले रहा हूँ अगर वो पॉइंट मान लो P जो है ना इसके अंदर भी आ सकता है, इसको मैंने हटा दिया उस सेट से, अब इसका मैं इंटरसेक्शन लूंगा इस ओपन स्पीयर का तो क्या आना चाहिए, नॉन इनफिनिटी ना, अरे इस पी के अलावा एक और पॉइंट ये कंटेन कर रहा है एक का, तो कम से कम वो पॉइंट तो आएगा, मान लो x1 कंटेन कर रहा है तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा x1,
मैं समझा पाया कि नहीं बोलूँगा, ठीक है ना। सो यही डिफिनीशन है, लिखना नहीं है, लेकिन आप भी बनाओगे आप। सो पहले मैं डिफाइन कर दूँ, लेट एक्स टी बी अ मैट्रिक स्पेस। इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझना, अगर ये भी समझ में आएगा तो समझ में आएगा, ठीक है ना। सो बी अ मैट्रिक स्पेस एंड एक वही जो है सबसेट है इसका, ठीक है ना। अब आते हैं अ पॉइंट P belongs to X, ध्यान देना ये A का भी हो सकता है पॉइंट, जो लिमिट पॉइंट होना है ये A के बाहर का भी हो सकता है। So P belongs to X is said to be लिमिट पॉइंट ऑफ A if every, ये ऐसे ही हो, if each, ये इंपॉर्टेंट है, हर एक if each open sphere of P contain at least one point of A other than अब इस लैंग्वेज में देखना, पहले समझो यही तो मेन कॉन्सेप्ट है। मैं क्या बोला हूं, जो लिमिट पॉइंट होना है वो उस सेट का भी एलिमेंट हो सकता है, सेट के बाहर का भी हो सकता है, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, इस पॉइंट पी का हर एक ओपन स्फीयर, हर एक जितना पॉसिबल होगा हर एक ओपन स्फीयर क्या करेगा, सेट ए का अगर ये पॉइंट पी अगर ए में आता है तो इसके अलावा भी हर एक ओपन स्फीयर क्या करेगा, इसका कम से कम एक पॉइंट कंटेन करेगा, ठीक है। हर ओपन स्फीयर कम से कम एक पॉइंट कंटेन करेगा, ठीक है, अदर देन क्या, ठीक है। सो मैथमेटिकली कैसे आप लिख सकते हो, सो मैथमेटिकली क्या मैं बोल रहा हूं जो आपको लिखा था, अगर एक ओपन स्फीयर मैं लेता हूं एसपी सागर में, सेट ए लिया, इसमें से वो पॉइंट पी निकाल दे रहा हूं जो आपको बताया था, इसके साथ इंटरसेक्शन निकालोगे ना इसका, अगर एस पी इप्सिलॉन इस पॉइंट पी का क्या है, अगर ओपन स्फीयर है तो ये क्या होना चाहिए, यही मेन रहना चाहिए। समझ आ गया, बोलो क्लियर है ना। एग्जांपल से पहले अब एक और कॉन्सेप्ट, ये जो मैथमेटिक्स में जो लिखा हूं ना मैथमेटिकली, इसका मतलब क्या है, इन अदर वर्ड्स भी डिफाइन करते हैं कि हर ओपन स्फीयर क्या करेगा, ये P के अलावा अगर एक पॉइंट कंटेन करता है ना तो वो इक्विवेलेंट है क्या, कि हर एक ओपन स्फीयर क्या करेगा, उस सेट का इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेन करेगा। दो तरीके से डिफाइन करते हैं, एक्चुअल डिफिनीशन ये है, लेकिन सम बुक्स में देखोगे या तो वो डिफाइन ही यही करते हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेन करें, या तो वो नोट करके जरूर लिखते हैं इसका इक्विवेलेंट क्या हुआ, एक पॉइंट मतलब क्या हुआ, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। लेकिन जब टेस्ट करोगे आप ना, न्यूमेरिकल्स करोगे ना, तो वो आप देखोगे हर एक ओपन स्फीयर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेन कर रहा है, ठीक है ना। सो अब आते हैं नोट, इन अदर वर्ड्स पी बिलोंग्स टू एक्स इज अ लिमिट पॉइंट of A, ठीक है ना, if each neighborhood, यहाँ पे भी each है, each neighborhood में open sphere लिखो, खुली जगह, if open sphere क्या हो जाएगा, SP epsilon contains infinite number of elements। ठीक है ना, एक्चुअल डेफिनेशन ये है, लेकिन जब न्यूमेरिकल्स करोगे तो आपको बस यही देखना है कि जो भी ओपन स्फीयर बन रहा है उस पॉइंट का ना, सेट ए का इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स कंटेन कर रहा है कि नहीं, कर रहा है
वो लिमिट पॉइंट हो जाएगा, और अगर नहीं कर रहा है तो लिमिट पॉइंट नहीं है। अब ऐसा केस बनेगा, थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा है लेकिन ऐसा बनेगा, अगर लिमिट पॉइंट होता है ना तो 100% इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स कंटिन्यू करेगा, अदरवाइज अगर नहीं करेगा इनफाइनाइट तो वो एक भी पॉइंट कंटिन्यू करेगा। दोनों इक्विवेलेंट है, आप देखिएगा न्यूमेरिकल करते हैं, समझ में आ गया। सो अब आते हैं किसी भी सेट का सारे लिमिट पॉइंट्स कंटेन करो या कलेक्ट करो, उनका सेट बनाओ, उसी सेट को हम क्या बोलते हैं, उस सेट का डिराइव्ड सेट। लिमिट पॉइंट्स के कलेक्शन को ही क्या बोलते हैं, डिराइव्ड सेट। डिराइव्ड सेट डेफिनेशन है, डिराइव सेट क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ, या सीधे सीधे लिखता हूं द सेट ऑफ, द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ सेट ए, ठीक है ना, इज कॉल, डिराइव्ड सेट ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाय, ठीक है ना, नोटेशन क्या है, ए प्राइम। तो अब याद रखना, कॉम्प्लीमेंट के लिए भी समटाइम्स ये नोटेशन यूज होता है ना। अब कॉम्प्लीमेंट के लिए अब हायर मैथमेटिक्स में ए टू दी पावर सी यूज करते हैं, देखना एक्सटेंडर बोर्ड में, क्योंकि डिराइव्ड सेट किसी सेट का एक्सटेंडर नोटेशन है, बड़ी बुक्स की बात हो गया ए प्राइम, ठीक ना। तो जो कॉन्सेप्ट सीखे पहले तो बिल्कुल क्लियर समझो, मैट्रिक स्पेस से उसका एक सबसेट लिया, कोई पॉइंट पी की बात बोलता हूँ जो उसका लिमिट पॉइंट होना है, तो वो पॉइंट सेट के अंदर का भी हो सकता है, उसके कॉम्प्लीमेंट का भी हो सकता है, क्लियर, पहला। दूसरा, अगर कोई पॉइंट पी में लेता हूँ इसका, उसका लिमिट पॉइंट है ना, तो उस पॉइंट पी का हर एक ओपन स्फीयर क्या करेगा, उस सेट जो है ना ए का, उसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स कंटेन करेगा, ये याद करो। डिफाइन डेफिनेशन आता ऐसे नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट वैसे। अब वो सेट ए के सारे लिमिट पॉइंट्स का कलेक्शन ले लो, ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उस सेट का डिराइव्ड सेट, और उसका नोटेशन क्या होगा, ठीक है ना, इतना क्लियर हुआ। तो अब अगर डेफिनेशन समझ में आ गया तो एग्जांपल से न्यूमेरिकल्स में कुछ भी नहीं रहता है, ठीक है, सो ऐसा करेंगे। मतलब जो सेट ए का है, एक पॉइंट को कंटेन करना चाहिए ना, कम से कम एक पॉइंट, पी के अलावा जो पॉइंट लिमिट पॉइंट प्रूव कर रहा हूं उसके अलावा कम से कम एक और पॉइंट। अब पी जब ए के पार हो गया तो तब भी दोनों केस में, वही तो मैं बोल रहा हूं, पी के अलावा कम से कम एक और पॉइंट, और वो अगर एक पॉइंट कंटेन करेगा तो 100% देखना वो इनफाइनाइट के बाहर हो जाएगा, तब ये नहीं पॉइंट कंटेन, हां मतलब ठीक है, वो भी लॉजिक से पी के अलावा मतलब यहां का एक पॉइंट, वही चीज है, ठीक है ना, और अंदर हो गया इसीलिए वो यूज किया लैंग्वेज कि अगर अंदर हो गया तो पी के अलावा, बाहर आता तो पी उसमें आएगा, तो एक ही पॉइंट कंटेन, और अगर वो एक करेगा ना तो 100% इनफाइनाइट करेगा, ठीक है, चलो अभी